स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज बहुत ही कोशिश करने के बाद ये डिसीजन लिया है, मेट्रो स्टेशन की वीडियो बनाऊंगा। आप कैसे मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको पता नहीं है मेट्रो के बारे में, और ये भी बताऊंगा कितने स्टेशन हैं और कैसे टिकट विकेट लेते हैं। इस मेट्रो स्टेशन पर ही आया हुआ हूँ मैं, अंडरग्राउंड है ये पूरा। अब यहाँ से निकलने के बाद इधर जा सकते हो आप, इधर भी जा सकते हो। सब कुछ बंद पड़ा है, संडे है ना, इसलिए वैसे यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, तो दिन भी मैंने सही सिलेक्ट करा क्योंकि भीड़ भाड़ में यार वीडियो बन नहीं पाती अच्छी, और मेरा एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं है बोलने का, तो मुझे सही नहीं लगता है। जैसे हम अगर उधर से जाते तब भी हम इधर निकल जाते, ये किसी अलग अलग स्टेशन की बात है। अभी यहाँ पर सिंबल रहता है, देखो ये आर्मेनियन में है, तो यहाँ से आप जाओगे, अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए यहीं से दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ से आप घुसते हो, सामने ही काउंटर रहता है, वहाँ से टिकट लोगे, फिर आगे का दिखाता हूँ अभी टिकट ले कर। जैसे ये काउंटर है देखो सामने, ये ऐसा सा है कुछ, यहाँ से बाहर निकलोगे आप, बस बाहर ही निकल जाओगे सीधे। देखो तो ऐसा सा था कुछ मेट्रो यहाँ का, बाकी सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे, मेट्रो में बोल नहीं सकता था। तो ये हैं इसके कॉइन, मैं ना एक्स्ट्रा ले लेता हूँ कॉइन, क्योंकि मेरे साथ कई बार हादसे हो चुके हैं। प्लास्टिक का एकदम ट्रांसपेरेंट है, देख सकते हो। तो ये जो कॉइन है ये 100 दिरहम का है, और आर्मेनिया में पूरे येरेवन में करीब 8 मेट्रो स्टेशन है, एक ही लाइन है रेड लाइन, लाइन वगैरह यहाँ नहीं होती, किसी भी मेट्रो स्टेशन पर घुस जाओ और अपनी लोकेशन पर पहुँच जाओगे। बस ये ध्यान रखना है वहाँ पर लिखा रहता है कि इधर कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे, इधर कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे, तो जिधर आपको पड़ता हो उसी साइड में खड़े हो जाओ और बैठ जाओ। ये 100 दिरहम का कॉइन है, आप कहीं पर भी घूम सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इतनी अच्छी नहीं है मेट्रो, लेकिन ये जल्दी पहुंचा देती है बस वगैरह से। दिल्ली की मेट्रो टॉप क्लास है, रेलगाड़ी की तरह इसमें आवाज़ आती है, ठसों के लगते हैं ऊपर नीचे, कभी हिलती है इधर उधर, तो ये है। लेकिन हाँ जल्दी पहुँचा देती है, और भीड़ भी सुबह में ज़्यादा रहती है, बाकी तो ऐसे नहीं रहती ज़्यादा भीड़।
वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को।